नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बहराइच हिंसा के बाद जुम्मे की पहली नमाज आज होनी है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए बहराइच में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बहराइच में चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। मेडिकल कॉलेज समेत सभी प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा सख्त की गई है। हिंसा प्रभावित मसी और महाराजगंज में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बहराइच में जगह जगह पुलिस, पीएसी और आरपीएफ की तैनाती हुई है। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के बाद दो आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है और साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंसा मामले में पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। डीजीपी ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पैदल मार्च कर लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। दरअसल बहराइच में जो हिंसा हुई है उसके बाद आज पहली जुम्मे की नमाज होने वाली है और जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि दुर्गा विसर्जन के दौरान ये पूरी घटना हुई थी जहां पर विवाद की स्थिति बनी, हिंसा टकराव हुआ और एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बहराइच में पूरी तरह से अलर्ट जारी है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, पहली जुम्मे की नमाज है और ऐसे में इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। फ्लैग मार्च किया गया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो बहराइच हिंसा के बाद जुम्मे की आज पहली नमाज है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए बहराइच में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बहराइच में चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज समेत सभी प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा सख्त की गई है। हिंसा प्रभावित मसी और महाराजगंज में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बहराइच में जगह जगह पुलिस, पीएसी और आरपीएफ की तैनाती है। बहराइच हिंसा के बाद दो आरोपियों का चुकी एनकाउंटर भी हो चुका है। हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर डीजीपी ने सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहे गए हैं। पैदल मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो बहराइच हिंसा के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज है और शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज संपन्न हो, इस उद्देश्य के साथ प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और लोगों से लगातार यही गुजारिश की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, ऐसे में आपसे सौहार्द बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेडिकल कॉलेज और जितने संवेदनशील इलाके हैं सभी जगह भारी पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, न सिर्फ पुलिस बल्कि पीएसी और आरपीएफ की कई कंपनियों की तैनाती की गई है। बहराइच हिंसा में अब तक आपको अपडेट बता दें, दो आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। इसके अलावा हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये अब तक की अपडेट बहराइच हिंसा मामले में सामने आई है। इधर डीजीपी ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। फ्लैग मार्च निकाला गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। और बहराइच हिंसा के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज होने वाली है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ इस वक्त हालात बने हुए हैं इसकी अपडेट लेंगे हमारे संवाददाताओं से। सैयद मसूद कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से, मोहम्मद कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोंडा से, सद्दाम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। सबसे पहले हम रुख करते हैं बहराइच का, सैयद मसूद कादरी से समझेंगे कि इस वक्त बहराइच में क्या कुछ
कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो बताए जा रहे हैं, क्या असल में वो धरातल पर देखने को मिल रहे हैं कादरी? निश्चित तौर पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान लगाए गए हैं, फोर्स लगाई गई है और इसके अलावा मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडीजी जो गोरखपुर जोन है वो बहराइच में कैम्प कर रहे हैं, वो दौरा कर रहे हैं, वो एडीजी डीआईजी और डीएमएसपी एक साथ विजिट पर निकले हुए हैं। सारी सुरक्षा बल की व्यवस्थाएं की गई है, चाक चौराहे और मस्जिदों पर की गई है व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। अभी एडीजी और डीआईजी और डीएमएसपी दौरे पर हुए हैं, निरंतर वो मूव कर रहे हैं, चारों ओर दौरे चल रहे हैं, पूरी तरह से शांति बनी हुई है, मस्जिदें उजागर हो रही हैं। यहाँ पर 12:30 बजे से 2 बजे तक के नमाज का समय निर्धारित है जो विभिन्न विभिन्न समय पर विभिन्न विभिन्न मस्जिदों में आयोजित किए जाते हैं। उसी के हिसाब से प्रशासन ने यहाँ पर पूरी व्यवस्था की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। ये घंटाघर चौक की वो मस्जिद है जहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किए गए, पूरी तरीके से वो पूरी तैयारी से है। और इसके अलावा खुफिया तंत्र को भी अलर्ट कर दिया गया है, खुफिया तंत्र भी पूरी तरह से सक्रिय है। आला अफसर बहराइच में कैंप कर रहे हैं, आला अफसरों की आला अफसर ये व्यवस्था कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे। हालांकि अभी कहीं से किसी तरह की कोई तनाव या इस तरह के कोई विरोध की बात सामने नहीं आई है, हर कहीं स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आला अफसर निरंतर दौरा कर रहे हैं, निरंतर वो पूरे जिले का पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट जो तैनात किए गए हैं वो भी क्षेत्र में भ्रमणशील है, उनका वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील है और निरंतर पूरी दृश्य पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है, तैनी नजर है प्रशासन की। आला अफसर यहाँ कैंप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहराइच के हालात इस वक्त जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, ऐसे में लाजमी है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, तभी शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से चीजें संपन्न होंगी। मोहम्मद कादर का रुख करते हैं। कादर अंसारी, जिस तरह से हालात बहराइच में बने हुए हैं, अभी जिस तरह से हमने तस्वीरें भी देखी हैं, ऐसे में गोंडा की अगर हम बात करते हैं तो गोंडा में फिलहाल किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था की? घटना हुई है, घटना के बाद में जुम्मे की पहली नमाज है और इसको लेकर के एसपी पूरा प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। इस समय हम गोंडा के चौक बाजार में खड़े हुए हैं, यहाँ किसी भी देख सकते हैं आप, यहाँ के सामने मस्जिद है और एक मस्जिद सदर में भी पड़ती है। यहाँ से सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए एसपी दिलीप जायसवाल जो है आपसी पर मालिक और तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको लगाया गया है। किसी भी तरीके से किसी दशहरे वाले दिन जिस तरीके से गोंडा में एसपी ने खुद जो है मोर्चा संभाला था और लगातार जो तरीके से सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक कुछ पोस्ट किए जा रहे हैं उस पर भी नजर बनाई गई हुई है, लेकिन लगातार हम तरीके से एसपी दिलीप जायसवाल रात में गश्त करके और लगातार सख्त निर्देश देते हैं और जिसको लेकर के खुद जो है पुलिस अधीक्षक जो है खुद जो है फील्ड में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था को रुख रखने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तरीके से निर्देश दिए हैं कि उन्हें सबसे सबसे पर जो है नजर रखी जाए, किसी भी अराजक तत्व कोई भी अगर इस तरीके से अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन लगातार जिस तरीके से एसपी ने गोंडा में खुद रात में 2-2 बजे निकलकर खुद जो है तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, लगातार एसपी के बाहर भी चोट लगाई गई है और पूरी तरीके से एहतियात बरता जा रहा है। लगातार जो तस्वीरें हैं जिस तरीके से बहराइच के सामने आई है, जिसके बाद में आज बहराइच घटना के बाद में पहले की नमाज है जिसको लेकर के गोंडा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, सबसे सबसे पुलिस कर्मी जो है तैनात किए गए हैं और कई मस्जिदों में जैसे नमाज जो होती है वो 12:30 बजे स्टार्ट होती है तो जितने भी मस्जिद है सभी जगहों पे जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी दिलीप जायसवाल खुद जो है सबसे सबसे पर नजर रख रहे हैं, जितनी खुफिया एजेंसियां हैं सबको लगाए गए सभी लगातार जो है फंडिंग कर रहे हैं, किसी भी अराजक तत्व को किसी भी कहा में जो है बच्चे न जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं जिसके क्रम में गोंडा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, सिद्धार्थनगर के भी हालात समझ लेते हैं। सद्दाम, इस वक्त सिद्धार्थनगर में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी, उसके बाद से जो सिद्धार्थनगर जिले का पुलिस प्रशासन है
वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के क्षेत्राधिकारी एएसपी या एसपी की बात कर ले तो वो लगातार जो संवेदनशील क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भ्रमणशील दिखाई दे रहे हैं और लगातार पैदल मार्च करके लोगों को सुरक्षा का एहसास करते दिखाई दे रहे हैं। मैं सिद्धार्थनगर जिले के सौरभगढ़ नगर पंचायत के एक मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ। ये जामा मस्जिद आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो माहौल है वो पूरी तरह से आपको शांत दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मस्जिदों में भीड़ इसलिए भी अभी दिखाई नहीं दे रही है। जो नमाज शुरू होती है वो 1 से 1.5 बजे होती है। हालांकि लोगों का अब मस्जिदों में धीरे धीरे आना शुरू है लेकिन जो सिद्धार्थनगर जिले में है माहौल है वो पूरी तरह से शांत दिखाई दे रहा है। हालांकि भाई पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ताकि कोई भी अराजक तत्व या उपद्रवी जो है शरारती तत्व है वो माहौल को खराब ना कर सके। इसके लिए जो है जो लोकल इंटेलिजेंस है एसआई एलआई ये सारे लोग जो खुफिया तंत्र है वो अलग अलग तरीके से जुमे के नमाज के लेकर निगरानी बनाए हुए हैं। सिद्धार्थनगर जिले के तमाम मस्जिदों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो माहौल है जो आपसी भाईचारा है वो बना रहे। तो सिद्धार्थनगर जिले में किसी तरह से जो माहौल है वो शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और आप जिस तरह से हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से आज जुम्मे की जो नमाज है उसे अदा कराने की व्यवस्थाएं हैं। सैयद मसूद कादरी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे चूंकि जानकारी ये भी मिल पा रही है कि आज बहराइच में बाहरियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? निश्चित रूप से बहराइच में हालात पहले से ही सामान्य है। दरअसल जो तंत्रों की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो मासी महाराज गली में, दरअसल वहां पर ही विवाद हुआ था और वहां पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनका आधार कार्ड सिद्ध किया जा रहा है। उनके आवाज जो बाहरी तत्व है उनके प्रवेश पर वहां रोक लगा दी गई है। वहां पर पूरी तरह से पुस्तैनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइज के जरिए लेकिन ड्रोन कैमरों से मस्जिदों के आसपास निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन कैमरा ये उड़ रहा है हमारे पीछे देखिए है और ये ड्रोन कैमरे से मस्जिद यानी प्रशासन पूरी तरीके से हर स्तर पर पूरी तरीके से सक्रिय है। किसी स्तर पर वो चुप नहीं होने देना चाहता है। देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ड्रोन कैमरे निरंतर मस्जिदों के आसपास और वो संवेदनशील क्षेत्र जिन्हें चिन्हित किया गया है उसके आसपास ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। खुफिया तंत्र भी सक्रिय है, अलाका भी सक्रिय है और जो इनका प्राइवेट तंत्र होता है जो जिसे मुक्लिम कहते हैं वो भी सक्रिय है। इस तरह से पूरी स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में है, चाहे वो उपद्रव प्रभावित क्षेत्र मासी महाराजगंज हो या जिला बहराइच के कोई भी जिला कस्बा शहर हो, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, हर स्तर पर प्रशासन निरंतर विजिट कर रहा है, थानेदार से लेकर के सिपाही भाजपा सिपाही से लेकर के और इंस्पेक्टर तक और एसपीओ से लेकर एसपी तक यहाँ तक के एडीजी गोरखपुर जोन डीआईजी तक जिले में कैद कर रहे हैं, निरंतर दौरा कर रहे हैं। अब आप देखें कि किस तरह से निगरानी की जा रही मस्जिदों के आसपास ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, ड्रोन कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। इससे स्थिति सामान्य होने की स्थिति है। अब धीरे धीरे मस्जिदों में जाने लगे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी में कोई आक्रोश और नाराजगी होती तो मस्जिद की ओर रुख न करते, भाई होते ये उनको पता है कि ये योगी राज है और योगी राज में सबकी सुरक्षा है, सबका सम्मान है, सबकी सबके साथ में जो सरकार खड़ी हुई है निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, जो अपराधी तत्व तो है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जो शरीफ लोग है जो सज्जन लोग है उनको पूरा सम्मान पूरी सुरक्षा और पूरा संरक्षण किया जाएगा, ऐसा एहसास यहाँ के लोगों के दिलों में है। इसी की वजह से कहीं पर कोई भी तनाव की स्थिति नहीं नजर आई, कहीं पर कोई विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आया, कहीं पर किसी तरह की कोई जो असामाजिक तत्व नजर नहीं आए। इस तरह से पूरी स्थिति नियंत्रण में है। नमाज शुरू होने का समय हो चुका है। यहाँ 12:30 बजे से लेकर के और 2-2.5 बजे तक के नमाजें विभिन्न मस्जिदों में होती है, अलग अलग समय निर्धारित है। इसी तरह से अलग अलग तरीके से फोर्स तैनात कर दी गई है। बिल्कुल
इसके अलावा देखिए जिस तरह से स्थिति हम देख पा रहे हैं, लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है, और सैयद मसूद कादरी ने दिखाया हमें कि किस तरह से ड्रोन कैमरों से भी निगरानी पे नजर रखी जा रही है। लगातार हालात बता रहे हैं कि उन्हें सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। कादर अंसारी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि जिस तरह से फ्लैग मार्च भी किया गया है, और न सिर्फ फ्लैग मार्च करके लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है, ऐसे में आम जनता इस अपील को किस तरह से ले रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। अब सिद्धार्थनगर का रुख करते हैं और सद्दाम खान से हालात जिस तरह से अभी उन्होंने साझा किए थे, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। सद्दाम, क्या सिद्धार्थनगर में भी फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से अपील की गई है, और अगर की गई है तो लोग उस अपील को किस तरह से ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थनगर जिले में भी लगातार जितने भी थाना क्षेत्र है सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से ये अपील की जा रही है, और लगातार पुलिस प्रशासन ये अपील कर रहा है कि सारे लोग जो है वो जुमा की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा करें, ताकि कोई वाद विवाद ना हो, जिस तरह की घटना और हिंसा जो है बहराइच में देखने को मिली। हालांकि जो यहाँ पर चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो, सभी लोग यहाँ पर जितने भी पर्व हैं वो मिलजुल कर मनाते हैं। इसी वजह से सिद्धार्थनगर जिले में जो पुलिस प्रशासन की अपील है वो लोगों पर देखने को मिल रही है। तो सिद्धार्थनगर जिले में जो माहौल है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा था। आपको मेरे पीछे एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये सौरभ नगर पंचायत का जामा मस्जिद है। आप देखिए यहाँ पर भी जो लोग हैं वो शांति से मस्जिदों में अपनी नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी जिस तरह माहौल होने से इस तरह नहीं दिखाई दे रहा, शांतिपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा, और पुलिस जो है जुमा की नमाज को लेकर पूरी तरह से इस पर नजर बनाई हुई है। उनकी खुफिया तंत्र की बात कर लें, LIU, SIU, IB, ये सारे लोग क्षेत्र में भ्रमणशील है, और उनकी कोशिश है कि जो जुमा की नमाज है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, ताकि जुमा के बाद कोई भी नारेबाजी या विरोध बिल्कुल दाम, क्योंकि बेहद जरूरी भी है कि शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। एक बार फिर से मोहम्मद कादर अंसारी का रुख करते हैं। कादर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को आप तस्वीर दिखा रहे थे लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएं जो अभी आप साझा कर रहे थे। साफ तौर से देखिए यहाँ पे मरकज मस्जिद है और शॉप है, और यहाँ पे चलते चलते पे हमें कैमरामैन को दिखाया, यहाँ के चारों तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है चार चौबंद की गई है। नगर कोतवाल स्थित यहाँ पे जितनी भी मस्जिदें हैं सभी जगह पे जितनी जितनी ड्यूटी लगी है उन सभी ड्यूटियों को चेक कर रहे हैं, और लगातार दिलीप जायसवाल खुद फील्ड में है, पुलिस अधीक्षक है, और लगातार जो है जो ड्रोन कैमरे हैं उससे नजर रखी जा रही है। किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे भी जो है लगातार नजर बनाए रखे हैं, और कुछ लोगों पर जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे थे उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिले के अगर अधिकारी खुद जो है फील्ड में रहेंगे और खुद जो है तो जिस तरीके से जो अराजक तत्व हैं उन पर जो है पहली नजर रखी जा रही है, पहराई साल के बाद में जिस तरीके से आज जिले की पहली नमाज है जिसको लेकर के सभी मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, सिविल ड्रेस में जो पुलिस कर्मी है वो तैनात है, जो खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं उनको भी तैनात किया गया है। किसी भी तरीके से कोई भी अगर अफवाह फैलाता है या किसी भी तरीके से कोई घटना करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों की सख्ती से निपटने के लिए क्योंकि दिलीप जायसवाल लगातार जो है जिस दिन से यहाँ पे दशहरा से और उसी दिन से वो खुद फील्ड में उतरे थे, तो जाहिर सी बात है जब जिम्मेदार अधिकारी खुद फील्ड में रहेंगे और पुलिस अगर सजग रहेगी तो किसी भी घटना या पत्रकारियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से जोनल प्रशासन तैयार है। आज जिले की मार्च की पहली जिले की हमारे बहराइच स्थान के पास है, जिसको लेकर के SP, रीजनल SP, DIG, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगाई गई हैं। लगातार जो है पुलिस अब मस्जिदों के पास किसी भी तरीके से अराजक तत्वों से निपटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि स्थिति हर एक जगह, चाहे बात बहराइच की हो, गोंडा की हो या सिद्धार्थनगर की हो, सामान्य है। और प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अमलीजामा पहनाते हुए इस वक्त नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। इसी के साथ यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।